नमस्कार मेरी शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समस्त देशवासियों को जम्मू कश्मीर की जनता को बीआर अम्बेडकर की 101वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर फाउंडर, जो कि कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आएंगे जो फाउंडर थे वो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, और साथ ही साथ कहेंगे पहले लॉ मिनिस्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। और ये वो व्यक्ति, ये वो शख्सियत, ये वो हस्ती जिन्होंने समानता का एक बयान दिया पूरी देश की जनता को, महिलाओं को एम्पावर किया, पिछले तबके को उठाने का हमेशा प्रयास किया। आज इनकी 101वीं जयंती पर प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार इस समय हम आपको अम्बेडकर चौक के लाइव दृश्य दैनिक शिवटाइम के माध्यम से बता रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास से आज 101वीं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का यहाँ सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और ये समय आपको लाइव दृश्य हम बता रहे हैं। और भीमराव अम्बेडकर आज हर एक देशवासी के दिल में अमर है। ऐसे लोग जो समाज को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग जो अपने कामों से, आप एक अच्छी अपनी एक नई सोच से लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहते हैं। सैल्यूट करते हैं हम ऐसे हस्तियों को। समय लाइव दृश्य आपको दैनिक शिवटाइम के माध्यम से हम अम्बेडकर चौक के बता रहे हैं। चलिए यहाँ के कल्सोत्रा साहब उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कह रहा है। तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जी कल्सोत्रा साहब क्या कहेंगे, आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज का वो दिन ही ऐसी हस्ती थी है, कहीं ना कहीं समाज के उन वर्ग को जो निचले तबके उनको अपलिफ्ट किया, महिलाओं के लिए एक अलग से कानून बनाए, उनको एम्पावर करने का कहीं ना कहीं पूरे देश में बयान दिया, और आज भी लोगों के दिलों में हमारा क्या कहेंगे। ये मेरा नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब को लोग जानते हैं और मानते हैं। गवर्नमेंटें जो हैं, विदेशी गवर्नमेंटें, ना के सिर्फ भारत की, विदेशी जितनी भी गवर्नमेंटें हैं उन्होंने रिकग्नाइज्ड कर लिया है। वो अपने अपने देशों में इस तरह के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं कि एक ऐसा मानव इस सृष्टि पे पैदा हुआ जिसने ऊंच नीच को खत्म करने के लिए एक बुक ऑफ प्रे दे दी। भारत में एक बुक ऑफ प्रे इस बुक ऑफ प्रे से पहले थी जिसको मनुस्मृति कहा जाता था। बाबा साहब ने उस मनुस्मृति में ऊंच थी नीच थी उसके अंदर लिखा हुआ था, डोल शूद्र और नारी जे सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना होता है इसको जितना मर्जी मारो, इनके जितने मर्जी राइट्स खत्म कर दो, जबकि राइट्स उस मनुस्मृति में है ही नहीं थे। बाबा साहब को मौका मिला, बाबा साहब बुद्ध मत के अनुयायी थे, बाबा साहब पैरियर के अनुयायी थे, बाबा साहब जूते महाराज जी के फॉलोअर थे, वो महाराज जिन्होंने नारी जाति के लिए पहला स्कूल इस देश में खोला, बाबा साहब ने उनको माना और संविधान के अंदर वो सब कुछ दर्ज कर दिया, इक्वल राइट्स, इसके अंदर इक्वालिटी, फ्रेटर्नलिटी, रिलीजन राइट्स, और एक बहुत बड़ी बात इकोनॉमिकल आजादी। इकोनॉमिकल आजादी इस देश के अंदर जो नहीं थी वो बाबा साहब ने इंश्योर कर दी कि इकोनॉमिकल आजादी होनी चाहिए। इसलिए आज मैं याद कर रहे हैं, आज बड़ा वर्ग जो 85% वर्ग कहता है वो इसका फायदा ले रहा है। अब देश के अंदर SC ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के साथ साथ वो जनरल लोग जो पहले इंजॉय करते थे उन सब के अधिकार सम्मान कर दिए। नारी जाति जो बाप पैदा करता था बच्ची, माँ पैदा करती थी उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाता था, पैदा होने के बाद देख के मार दिया जाता था। बाबा साहब ने कानून बना दिए जिसको बिल्कुल राइट नहीं था वो इस देश की राष्ट्रपति, इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनने लगी, और भारत के बाहर आउटसाइड ऑफ द कंट्री बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को देख देंगे 50% रिजर्वेशन दे पूरे वर्ल्ड में स्टेट कंट्रीज ने अडॉप्ट की,
और औरतों को 50% राइट्स दिए। इस देश के अंदर लड़ाई लगी हुई है कि नारी जाति को वही 50% राइट्स मिल जाएं, जो एससी एसटी ओबीसी को राइट्स दिए गए थे वो पूरे लागू नहीं हुए। देश बदल रहा है, बाबा साहब का संविधान बदल रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर था 1947 के बाद खत्म कर दिया गया। आज दोबारा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जो सेक्टर है वो बेच रही और प्राइवेट सेक्टर ला रही है। और आज ही मैं आपको मिसाल दूं, लगातार एक साल फार्मर्स का आंदोलन रहा, आज दोबारा वो शाहूकार फार्मर अडानी को माल बेच रहे हैं। जम्मू कश्मीर पूरे भारत में कुछ रुपए किलो आटा मिलता है, फार्म में वही बहुत से रुपयों का था। वो सारा आटा जो है सारा माल इंडिया का बाहर जाएगा। और यहाँ के लोग गवर्नमेंटों के क्या है मंसूबे, एजुकेशन फ्री, मकान फ्री, दवाई फ्री। एक और नई पार्टी आई है, उसने कहा है कि आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, आपके घर में रोटी देंगे। तो इसका मतलब बाबा साहब का बहुत सपना समान अधिकार, समान एजुकेशन, उसको ये गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी देके खत्म कर देना चाहती है। वो मजलूम बनाना चाहती है, मजदूर बनाना चाहती है, जबकि बाबा साहब का संविधान इकोनॉमिकल अधिकार देता है सब लोग तरक्की करें, सब लोग पढ़े। हम इन बातों का विरोध करेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन पार्लियामेंट घेराव करती है, स्टेट असेंबलियों का घेराव। आज मैं एलजी साहब को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं और साथ में कहता हूं जो अधिकार जम्मू कश्मीर के अंदर इन तबका जरात के हैं, रिजर्वेशन प्रमोशन है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, बैकलॉग है, सारा का सारा फिल करके अन्याय दे, यही हमारा पैगाम है। और हम बाबा साहब के संविधान की ये सब सिपाही हैं, बाबा साहब के इस तरह के पूरे देश में है, वो बाबा साहब के संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। जय भीम। बाबा भीमराव अंबेडकर एक ऐसी हस्ती जिन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को के लिए भी बराबरी का और साथ ही उच्च नीच पर पीछे रखकर बराबरी का दर्जा देने की पूरे देश में बात की। और सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनकी उन्हीं नीतियों को आज अपनाया जा रहा है। इस समय आप देखिए स्टेज सजा हुआ है और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया और आप देखिए जनता भी यहाँ पर धूप में, कड़कती धूप में, गर्मी में भी बाबा भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फूलों को उनको उनका उनको सम्मान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज भी उनकी जयंती पर लोगों के दिलों में, देश में बल्कि विदेशों में भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे आज छोटे वर्ग से लेकर उछले वर्ग तक लोग जो है याद करते हैं। और बात है महिलाओं के लिए पहला शिक्षा का केंद्र लाने वाले, स्कूल लाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर थे। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य अंबेडकर चौक के, और इस समय आपको बता रहे हैं यहाँ पर नारी शक्ति हमारी महिला जो कि एडवोकेट लीना कुमारी भी यहाँ मौजूद हैं, वो इस समय होस्ट कर रही हैं प्रोग्राम को। जो लोग पीछे खड़े हैं प्लीज वो सीट्स पे बैठ जाएं। और बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, प्रोग्राम का आनंद उठाएं। कुरान कहता है मुसलमान बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है मनुष्य बनो। अंबेडकर जयंती की ये क्यूट सा बच्चा ये भी इसमें सम्मिलित होने आया है, बच्चा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी है। जानते हैं आज 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन है। अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में अंबेडकर समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक अंबेडकर को भारत की जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए माना जाता है। एक दलित परिवार में
चलिए हमारे साथ गौरव रविदास जुड़े हैं। गौरव, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर, कहीं ना कहीं त्योहार से भी बढ़कर, क्योंकि वो शख्सियत जिन्होंने आज देश में बल्कि विदेशों के लोगों के जनता के दिलों में भी जगह बनाई है, एक ऐसी समाज को, एक देश को, एक समाज के लोगों को नई दिशा देने का हमेशा प्रयास किया, आज भी उनकी नीतियों पर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं तो आपके माध्यम से सभी देशवासियों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं क्या आपको बोलूं, आपने ही सब कुछ बयान कर दिया कि बाबा साहब की जो जीवन में क्या क्या उनके काम रहे वो तो आपने सब बयान कर दिए। और आज भी मैं यही मैसेज दूंगा कि सभी समाज के लोगों को आज एक मंच पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी समानता की बात की थी, तो कहीं ना कहीं आज हमें वो देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से उस टाइम में बाबा साहब ने जिस तरह से भेदभाव, छुआछात और ऊंच नीच के जो दौर देखे हैं, तो एक संविधान लागू होने के बाद जो आज की जो समानता वो आपके सामने है। बाकी फिर से मैं एक बार लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है एडवोकेट लीना, इनसे भी जानेंगे, काफी एक्टिव है कार्य, तो समाज में नई दिशा देने का भी ये भी प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी की जो नीतियां थी, जो इनका एक विजन था, आज भी आम लोगों के दिलों में, और उसी के चलते आप वकालत में तो एक अच्छा काम कर ही रही है सोशल एक्टिविस्ट, और आज यहाँ पर भी आप एक होस्ट की अपनी भूमिका निभा रही है, क्या कहेंगे आज के दिन लीना? शुक्रिया रश्मि मैम। सबसे पहले आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं संपूर्ण भारतवासियों को जो है शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज ये अंबेडकर चौक में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा जो विस्थापित है, हम यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आज बाबा साहब का 131st जो है बर्थडे है। मेरे तो पहले प्रोग्राम तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, मैं होस्ट कर रही हूँ उस प्रोग्राम को, और कल्चर प्रोग्राम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 4 से 5 बजे ब्रेक होगी, उसके बाद बाबा साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन में केक काटा जाएगा, और यहाँ पे क्विज भी रखा हुआ है, हमने बच्चों के लिए सवाल जवाब किए जाएंगे, सही उत्तर देने वालों को जो है हम इनाम देंगे। और हम ये जो प्रोग्राम करके जो है भारत में, ये भारत विश्व में ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के आइडियोलॉजी को फॉलो करें, समानता बंधुता को फॉलो करें, धर्म जात पात को छोड़ते हुए जो है मनुष्यता जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, मनुष्यता सबसे इम्पोर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाबा साहब द्वारा रचित, फाउंडर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर रहे हैं वो, और बाबा साहब ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बाबा साहब को भारत रत्न का जो है भारत रत्न बाबा साहब को भारत रत्न से भी जो है सम्मानित किया गया है। और मैं सभी भारतवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि इसी तरह भाईचारा बना के रखें। और जो है लीना जी, आप भी एक महिला, हम भी एक महिला है, बाबा साहब ने महिलाओं को पहले ऐसा शिक्षा का केंद्र बनाया था, स्कूल बनाया था, पहले वो एक शख्सियत रही है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को किस तरह से, क्योंकि पहला जब दौर था बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था, कहीं ना कहीं आज बेटियां गौरवान्वित है या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित है, कहीं ना कहीं देन है बाबा भीमराव अम्बेडकर। आज भी लगता है समाज में त्रुटियां हैं, कहीं उन चीजों से बहुत परे हैं जी, ऐसा है मैडम। हम सब जानते हैं कि पहले टाइम में औरतों के साथ कितना अत्याचार हुआ था, पढ़ाई शिक्षा का अधिकार उनको नहीं था, जिसमें बाबा साहब का काफी मुख्य योगदान रहा है। बाबा साहब की वजह से आज हम पढ़ लिख कर जो है यहाँ पे अच्छे अच्छे, आज आप हर पोस्ट पे देखें, आज हर पोस्ट पे जो है एक लेडी जो है सुपरवाइज कर रही है। और बाबा साहब की इस देन को हम भूल नहीं पाएंगे, और आज भी 14 जब अप्रैल आता है तो आंखों से आंसू आते हैं कि बाबा साहब की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, बाबा साहब की वजह से मैं पहचान मिल पाई, मैं पढ़ लिख के आज स्टेज पे पहुंची हूँ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब नहीं होते तो मैं शायद घरों में। धन्यवाद लीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी एडवोकेट लीना, और सामी बताना चाहेंगे आपको कि इस समय जो कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम की झलकियां भी थोड़ी सी हम आपको बताना चाहेंगे। और ये जो कार्यक्रम है, ये हर एक किसी एक समुदाय के लिए, हर एक देश के नागरिक
नागरिक के लिए आज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, क्योंकि वो शख्सियत जिन्होंने हमें जिंदगी में महिलाओं के लोगों को ऊपर लाने का प्रयास किया, जात मैसेज दिया, और साथ ही साथ खास करके महिलाओं को जिस तरह से आप भी जानते हैं पहले लोग बेटी को उस चीजों से बाहर लाया, समाज में नई दिशा देने का प्रयास किया। बाबा साहब अंबेडकर ये बात मैं थोड़े चो चाहती है, जो तू आएगी तो तू आएगी, ठीक है जी। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ लाइव है, सारी जनता सारा मेरा जम्मू है, मैं लाइव आप ठीक है जी। मैं की आना चाहिए वापस बाबा साहब अंबेडकर हो मजबा दी तकड़े ने मजबा आज बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती है। पूरी दुनिया में बाबा साहब के चाहने वाले हैं। मैं उन सबको बाबा साहब की इस जयंती पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब के मार्ग को पहचानें और बाबा साहब के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे जूथ को भ्रमित कर रहे हैं और बाबा साहब की फोटो लेकर वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हमारे जूथ को चाहिए कि बाबा साहब को पढ़े ताकि उनको कोई भ्रमित ना कर सके। बाबा साहब की 21 वॉल्यूम में किताब है राइटिंग एंड स्पीचेस, आप राइटिंग एंड स्पीचेस को अच्छे से पढ़िए और बाबा साहब की विचारधारा को जानिए। बाबा साहब ने कहा था एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, हमें पढ़ना है और अपने हक को पहचानना है, और उस जो भी वायलेट करता है उसको वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करना है, और हमें अपने समाज को इकट्ठे करके आगे बढ़ना है। बाबा साहब की बहुत से लोग अलग अलग स्टेज लगाकर अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा साहब को आपने वैसे ही जानना है जैसे बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब का जो आखिरी मैसेज है कि मैं जिंदगी में चाहता था कि मेरे जीते जी मेरा बहुजन समाज इस देश की राजपाट को अपने हासिल में ले, लेकिन वो मैं अपने जीवन में होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। वो मैं अपने लेफ्टिनेंट्स को ये कहता हूँ कि मेरा इस मिशन को आगे बढ़ाए, अगर वो आगे नहीं बढ़ा सके तो कम से कम यहीं पे रोके रखे, अगर वो मगर किसी भी सूरत में इस मिशन को पीछे मत जाने दे। तो मैं आज के जूथ को यही कहूंगा कि बाबा साहब के मिशन पे काम करे, बाबा साहब के मिशन को जाने पहचाने और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम संघर्ष करें। आपको लाइव दृश्य बताए समय हमें बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया। अम्बेडकर बाबा भीमराव अंबेडकर फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहीं ना कहीं ये वो शख्सियत है जिन्हें आज देश में बल्कि विदेशों में भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा विजन समाज में एक ऐसी दिशा देने का प्रयास किया जहाँ पर एक तरफ बच्चियों को कोप में मार दिया जाता था, और आज के दौर में उन्हीं की नीतियों पर उन्हीं के विजन पर चलकर कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं को वो मान सम्मान दिया, जीने का अधिकार दिया, और आज हर क्षेत्र में महिलाएं सक्षम है, अपने आप अपनी जीत का लहरा मना रही है, और उन्हीं की वजह से सम्मानिता विपर सक्षम के लोगों को मार दिया। आज बाबा साहब का एक बड़ा नारा जात पात धर्म को छोड़कर इंसानियत के लिए जिए, इंसानियत के लिए। अपने कमेंट बॉक्स में लीजिए।